वीकेंड न्यूज एमपी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तनु। एमपी में अपराधी बेलगाम होते नजर आ रहे हैं। कानून व्यवस्था की नाकामी की वजह से अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो सरेआम किसी पर भी हमला करने से पहले नहीं सोचते। वो चाहे आम आदमी हो या खुद पुलिस ही क्यों ना हो। कानून की लचर व्यवस्था की हकीकत एक बार फिर सामने आई है। आपको बता दें कि कल ही सीहोर जिले के अहमदपुर में अतिक्रमण रोकने गई टीम पर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया था, जिसमें दो वन रक्षक घायल हो गए थे। वहीं उसके बाद एक बार फिर धार में ऐसी घटना देखने को मिली है। मध्य प्रदेश में धार जिला शराब माफियों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ से शराब की सप्लाई गुजरात होती है और हर बार सरकार के दावों के बावजूद तस्करी का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। शराब माफियों के हौसले इतने बुलंद है कि इसका उदाहरण मंगलवार की सुबह दिखा, जब अवैध शराब की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसडीएम नवजीवन पवार और नायब तहसीलदार राजेश भिंड की टीम पर शराब माफियों ने हमला बोल दिया। दरअसल मुखबिर के माध्यम से एसडीएम को सूचना मिली थी कि गांव डोलिया और गांव आली से आता हुआ ट्रक अवैध शराब लेकर अलीराजपुर जा रहा है। इस सूचना पर एसडीएम जब टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो ट्रक को रोका तो ट्रक के पीछे आ रही स्कॉर्पियो में बैठे 6-7 लोगों ने एसडीएम और नायब सरदार की गाड़ी पर हमला बोल दिया। वहीं मारपीट के दौरान दोनों अधिकारियों को हल्की चोट आई है। एसडीएम के साथ मारपीट की गई और नायब तहसीलदार को अपने साथ बैठाकर गाड़ी में ले गए। वहीं इस दौरान आरोपियों ने फायरिंग भी की है। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और अवैध शराब से भरे ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है और दो आरोपी को पकड़ लिया है। वहीं थोड़ी देर बाद नायब तहसीलदार को भी आरोपियों से छुड़वा लिया गया। आपको बता दें फिलहाल पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर ली है। मारपीट के दौरान दोनों अधिकारियों को हल्की चोट भी आई है। एसडीएम कुची नवजीवन पवार और उनके साथ नायब तहसीलदार की टीम ने यहाँ सुबह शराब पकड़ी थी, जिसमें कुछ लोगों ने उनकी टीम पर हमला कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम पहुँच गई थी और उसमें एक आरोपी को स्पॉट से पकड़ा है और बाकी अन्य आरोपियों को आइडेंटिफाई किया गया है। बल्कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। सर ये कहाँ से कहाँ ले गए प्रारंभिक तौर पर कुछ जानकारी? देखिए अभी प्रकरण जो है इन्वेस्टिगेशन में है, आगे जैसे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज एमपी। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।